नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबको स्वागत है। आज हम अपने इस प्रश्न में 70 प्रश्नों को टारगेट करेंगे, 70 प्रश्न। आप सबको अच्छे से इन 70 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। सभी के सबसे पहले जब प्रश्न आए तो आपको क्या करना है कि आंसर देना है, ठीक है? कमेंट में आंसर दे लो या फिर आप करेक्ट करते जाओ, अपने रफ कॉपी में कहीं भी लिखते जाओ उस चीज़ को। और फिर जब मैं इसका आंसर बताऊं तो उसको आप ये मिलाओ कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ईमानदारी के साथ कमेंट में बताओ कितना सही हुआ आपका, ठीक है? तो इस तरीके से हम चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे छोटा है? ध्यान देना, चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसका एक करेक्ट आंसर देना है। ध्यान देना, इसका डिस्क्रिप्शन जो है तो बताना इतना संभव नहीं क्योंकि 70 प्रश्न हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको, यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग उसमें कमेंट में बता देना, तो मैं अलग से इन क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन बना दूंगा। 70 क्वेश्चन है, टारगेट टेस्ट है ये, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ो, ठीक है? और नोट डाउन कर लेना, हमेशा के लिए याद रहेगा ये, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो पहला ऑप्शन क्या है? हिंद महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर और चौथा प्रशांत महासागर। तो सीधा सवाल क्या है कि कौन सा महासागर सबसे छोटा महासागर सबसे छोटा है। तो जब ऐसी बात की जाए तो वहाँ पे ध्यान रख लेना कि कौन सा महासागर सबसे छोटा है, तो आपका आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक महासागर, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी को, कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को। चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको चूज करना है। जल्दी से फटाफट चार आप ऑप्शन राइट आंसर दीजिए। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीपी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन खाड़ी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन जलसंधि और चौथा क्या है? द्वीप। तो चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको देना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा, तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपी कहते हैं, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो विश्व में जो प्लेटिनम का उत्पादन है वो किस देश में सर्वाधिक होता है? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, चीन में, जापान में। चार ऑप्शनों में से एक राइट आंसर आपको देना है कि प्लेटिनम का उत्पादन सबसे ज़्यादा है ना किस देश में होता है। तो कौन से देश में होता है आपको सही आंसर आपको बताना है। तो सही इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है उसका राइट आंसर होगा, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित हैं? वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या फिर आयनमंडल में। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आयनमंडल इज अ राइट आंसर, ठीक है? ध्यान दीजिए। फिर अगला प्रश्न ये कहता है कि गंगा एवं, छठवा प्रश्न कहता है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त तो जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्म नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है, सांगपो के नाम से जानी जाती है। चार चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में से ये बताना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है इनकी जो संयुक्त जलधारा है वो किस नाम से जानी जाती है, ठीक है? तो किस नाम से जानी जाती है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट में आप लोग, ठीक है? तो किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? आपको चार ऑप्शन आपके पास है, मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तेल उत्पादन और खाद्य उत्पादन, ठीक है? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है, ठीक है? कौन सा चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो जो है नीली क्रांति है वो किससे, कौन से उत्पादन सही है, मछली उत्पादन से राइट आंसर इसका होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि निम्न में से मोह पैमाने में किसका मापन किया जाता है? द्रव घनत्व का, आर्द्रता का, कठोरता का या भूकंप की तीव्रता का। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है फटाफट। आप राइट आंसर दीजिए कि कौन सा मोह पैमाने के मापन होता है किसका, द्रव घनत्व का, आर्द्रता का, कठोरता का या फिर भूकंप की तीव्रता का। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर इसका बिल्कुल होगा, मोह पैमाने में कठोरता का मापन किया जाता है। किसका किया जाता है, कठोरता का मापन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है? नौवां प्रश्न है, ठीक है, कौन सा ऐसा शहर है जो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है? सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो आप लोग, और सबसे पहले आंसर दिया करो, आंसर देने के बाद ही इसका आंसर जो है तो हम जो बताते हैं उसको सुना करो, ठीक है। जैसे वीडियो आपको, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखे आप सीधे वीडियो को पॉज करो और क्या करो, पहले आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। तो कौन सा शहर है जो भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है? ठीक है, कर्ण है, प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, देव प्रयाग है, या रुद्र प्रयाग प्रयाग है? नौ ऑप्शन में से राइट आंसर आपको देना है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर होगा देव प्रयाग। क्या होगा? देव प्रयाग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है, निम्नलिखित में से शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? निम्नलिखित में से शहतूत रेशम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में, या फिर उत्तर प्रदेश में? ठीक है, चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। तो जो शहतूत रेशम के उत्पादन की बात जब की जाए तो कहाँ होता है? कर्नाटक में। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, 11 नंबर प्रश्न है। पूरे 70 प्रश्न आएंगे इसी तरह से, 70 प्रश्न होंगे, ठीक है। आपको इन 70 प्रश्नों का सही तरीके से आंसर देना है। निम्न में से स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? तालाब और दलदल, झरना और नदी, फिर झरना और नदी हो गया, तालाब और नदी हो गया, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके पास आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। तो कौन सा स्वच्छ जलवायु के लैंटिक आवास का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो कौन सा हो सकता है? तालाब और नदी, ये जो है स्वच्छ और स्वच्छ जलवायु का लैंटिक आवास है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय कौन सी थी? परियोजना जो थी वो कौन सी थी? भाखड़ा नागल थी, दामोदर थी, हीराकुंड थी, या फिर नागार्जुन थी? चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है, ठीक है। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। कौन सा राइट आंसर होगा आपका? इसका राइट आंसर जो होगा वो दामोदर होगा। दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, भारत का स्वतंत्र परियोजना है, ठीक है। अगले अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता? डीजल के कारण, परागण के कारण, या फिर जल विद्युत शक्ति के कारण, या फिर ताप विद्युत शक्ति के कारण? चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। तो इन चार ऑप्शनों में से जब बात आ जाए वायु प्रदूषण नहीं होते की, ध्यान से समझना, वायु प्रदूषण नहीं होने की जब बात आ जाए तो कौन सा राइट आंसर होगा आपका? वायु प्रदूषण जब नहीं होने की तो जल विद्युत शक्ति केंद्र जो है वो वायु प्रदूषण नहीं है, बाकी ताप भी वायु प्रदूषण है, परागण भी है और डीजल भी है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, या तमिलनाडु में? चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। चार ऑप्शनों ध्यान देना है, 14 नंबर प्रश्न है। इसी तरह से 70 प्रश्न आपके पास आएंगे, 70 प्रश्न आएंगे, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर नोट करना है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बात की जाए निम्नलिखित में से कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर तमिलनाडु में है? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो हम कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड में जाएंगे, ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जब बात की जाए तो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, निम्नलिखित में से नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मेघालय में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है? चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो चार ऑप्शनों में से जब आप राइट आंसर चूज करते हो कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या बन के आता है? मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? जो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात जब की जाए तो आंध्र प्रदेश, केरल, असम, या तमिलनाडु? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर जो आपको चूज करना है वो राइट आंसर क्या होगा आपका? तमिलनाडु। जब राइट आंसर क्या होगा कुंडलकुलम परमाणु की बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सुंदरबन में निम्न में से कौन सी वृक्ष
सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा जो वृक्ष है वो सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है? तो कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? सागौन, पीपल, नीम और सुंदरी। चार आसनों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सुंदरबन में सुंदरी पाया जाए, जाहिर सी बात है नाम से स्पष्ट है सुंदरबन, तो सुंदरबन में कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? सुंदरी पाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या है? तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन से, बांग्लादेश से, नेपाल से या फिर म्यांमार से? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। तो चार ऑप्शनों में से जो आपका राइट आंसर क्या होगा, तुजु दर्रा की जब बात आ जाए तो चीन देख लो, बांग्लादेश और नेपाल देख लो, म्यांमार देख लो। तो चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। तुजु दर्रा जो है वो म्यांमार होगा, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 19वां नंबर है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पादपों और जंतुओं के जीवाश्म के लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है, ठीक है? अब जब चार ऑप्शनों में से जब आपको राष्ट्रीय उद्यान, पादप राष्ट्रीय उद्यान की बात आ जाए तो आपका सीधा सा, जब राष्ट्रीय उद्यानों में पादप और जंतु जीवाश्म की बात आ जाए तो सीधे कहाँ जाना है आपको? फासिल राष्ट्रीय उद्यान में आपका राइट आंसर चूज करना है, सी नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? केप कैमोरी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करना है। केप कैमोरी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है? तो आपको जो है वो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित की जब बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा इंदिरा काल, ठीक है? कहीं कहीं इंदिरा पॉइंट मिलेगा तो परेशान मत होना, ठीक है? अब आपको इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट के बारे में जो है हम जब भी जब इन प्रश्नों का एक डिस्क्रिप्शन बकायदा बनाएंगे बढ़िया ब्रॉड क्वेश्चन का आंसर, तो आपको उसमें से हम सब क्लियर करवा देंगे, क्योंकि अभी ये 70 प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला है, टेस्ट है, तो इसमें संभव नहीं है वो चीज़ बताना, क्योंकि इनमें बताने लगेंगे तो आपको 3-4 घंटे बीत जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी इन पूरे प्रश्नों को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है तो इसको पढ़ने की कोशिश करना, याद करने की। और यदि आप लोगों को चाहिए इसका डिस्क्रिप्शन में, तो आप कमेंट में बता देना, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बना देंगे 10-10-20 क्वेश्चन का करके, ठीक है? या जिस जिस क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए आप लोग कमेंट में बता देना वो क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन बना देंगे, आपको उसको डिटेल्स बता देंगे आपको, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बैकाल पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और बिहार में। चार ऑप्शन राज्यों में से एक राइट आंसर होगा, वो कौन सा राइट आंसर होगा आप जल्दी से बताओ, ठीक है? तो क्या होगा जब बैकाल पर्वत श्रृंखला की बात आ जाए तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर होगा। अब जब अगले प्रश्न की बात आ जाए तो अगला प्रश्न ध्यान से समझिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला को भारत से पृथक कराती है? बंगाल की खाड़ी, विंध्यन पर्वत श्रेणी, पामीर ग्रंथि या मन्नार की खाड़ी? जल्दी से चार ऑप्शनों में से राइट आंसर चूज करिए। तो अब जब राइट आंसर की बात आ जाए तो क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला के भारत से पृथक कराती है, ठीक है? श्रृंखला को भारत से पृथक कराती है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, या मन्नार की खाड़ी, कौन सी कराती है? तो दो ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, चार ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है। तो जाहिर सी बात क्या होगा, मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत को क्या करती है? पृथक करती है श्रीलंका से, ठीक है? अब ध्यान देना अगला प्रश्न क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है कहाँ? वेनेजुएला में स्थित है, कनाडा में स्थित है, गुयाना में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। तो चार ऑप्शनों में से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको जल्दी से चूज करके बताना है। तो क्या हो सकता है, जब विश्व के सबसे ऊंचे झरने की बात किया है तो कहाँ जाएंगे हम? वेनेजुएला में जाएंगे, ठीक है ना? अब अगले प्रश्न में जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है ये नदियाँ हैं? कौन सी हिमनद से निकलती हैं आपको बताना है। चार ऑप्शन है, सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री या आंगसी हिमनद, ठीक है? चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। तो आपको 24 नंबर का राइट आंसर आपको क्या बन जाएगा, आंगसी हिमनद। अगले नंबर चलते हैं 25 में, ठीक है? ध्यान देना, अभी निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं का उत्पादन नहीं होता, ध्यान देना।
किस राज्य में? तो आपके पास तीन राज्य दिख रहे होंगे, ये चौथा राज्य आपको दिख गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ठीक है, किस राज्य में से जो है वो, किस राज्य में से गेहूं का उत्पादन नहीं होता? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो किस राज्य में नहीं होता जल्दी से आप लोग बताइए। तमिलनाडु में गेहूं का उत्पादन जो है वो नहीं होता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? शहतूत रेशम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, मिजोरम में या राजस्थान में? तो राइट आंसर आपको चूज करके जल्दी से बताना है। तो जब शहतूत रेशम की बात आ जाए तो कर्नाटक छोड़ के नहीं जाना। अभी इसके पहले भी एक शहतूत वाला हम लोग प्रश्न पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है, जल विभाजक, जल विभाजन कहा जाता है, या दोआब कहा जाता है, या तराई कहा जाता है? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। तो जब दो नदियों की बात की जाए तो क्या होगा, दोआब होगा, क्योंकि डबल किनारे हो जाएंगे तो दोआब होगा। ठीक है, उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। एक नदी और एक नदी दोनों के बीच में जो जमीन होती है उपजाऊ होती है, उसे दोआब कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु अवस्थित है कहाँ? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी या हिंद महासागर? चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। चार ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी आप चले जाओगे कहाँ पे, जब आप ग्रीनविच रेखा में जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, अटलांटिक महासागर में चले जाओगे, तो उसका अवस्थित बिंदु क्या हो जाएगी, अटलांटिक महासागर। अगला जो प्रश्न है वो क्या होगा, रूडावर। अगला जो प्रश्न है वो ये हो जाएगा, रूडावर पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो जो रूडावर पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान व गुजरात में, असम में, जम्मू कश्मीर में और तमिलनाडु में? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको देना है। तो जब रूडावर पक्षी की बात आ जाए तो क्या होगा, राजस्थान और गुजरात इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जब विश्व पृथ्वी दिवस की बात आ जाए तो कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है जल्दी बताइए। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त तो रसायन क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या प्रेड में से कोई नहीं? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। तो चार ऑप्शनों में से जब राइट आंसर की बात आ जाए, कृत्रिम वर्षा की बात आ जाए तो जाहिर सी बात क्या होगा, रसायन की बात आ जाए तो सिल्वर आयोडाइड होगा। क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है हिमालय पर 3600 मीटर, हिमालय पर 3600 मीटर ये अधिक की 3600 जो मीटर है से अधिक की ऊंचाई पर पाया जाने वाली वनस्पति क्या है? ठीक है, कौन क्या है? तो यहाँ पे अल्पाइन तृणभूमि है, या फिर आपको अल्पाइन वन है, शंकुधारी वन है, या फिर देवधर वन। ठीक है, तो चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके देना है। तो यहाँ पे जब हिमालय के 3600 मीटर की बात आ जाए तो क्या होगा, आपकी अल्पाइन तृणभूमि या राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि निम्न में से वनीकरण किसकी प्रक्रिया है? निम्न में से जो वनीकरण है वो किसकी प्रक्रिया है? वनों की कटाई की प्रक्रिया है, अधिक वृक्षारोपण की प्रक्रिया है, वृक्षों की कटाई की प्रक्रिया है, वन संसाधनों का संग्रहण है? चार प्रश्नों का आंसर, चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर चूज करके देना है। निम्न में से वनीकरण किसकी प्रक्रिया है? वनों की कटाई का, अधिक वृक्षारोपण का, वृक्षों की कटाई का, या फिर वन संसाधनों का संग्रहण का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपको जल्दी से बताना है राइट आंसर। तो जब वनों की कटाई का आ जाए तो क्या होगा, वो किसकी प्रक्रिया है, अधिक वृक्षारोपण की प्रक्रिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत के कृत्रिम बंदरगाह की जब बात आ जाए तो कांडला देख लो, मैंगलोर देख लो, चेन्नई देख लो और हल्दिया देख लो। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। ठीक है, तो जब कृत्रिम बंदरगाह की बात आ जाए तो कहाँ चले जाओगे, सी ऑप्शन, चेन्नई में चले जाओगे। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय, अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसकी आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? लोहा में, अभ्रक में, बॉक्साइट में, या फिर तांबा में? ठीक है, तांबा में। तो चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। तो जब भी बात आ जाए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, किसकी बात आए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, और वो भी किसकी आपूर्ति का एक अधिकार है, तो किसकी आपूर्ति का अधिकार है, अभ्रक की। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कहता है कावेरी जल का बंटवारा किस किन राज्यों के बीच का विवाद है? कावेरी जल विवाद है, अभी भी है। ठीक है, तो कल कावेरी जल का जो बंटवारा है किन राज्यों के बीच का विवाद है? ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, कर्नाटक और महाराष्ट्र।
चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है, ठीक है। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है, तो क्या होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है वो क्या है, कावेरी जल का विवाद है, तो राइट आंसर सी नंबर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, मैसूर में, कश्मीर में, गुजरात में और केरल में। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस तरह के अभी 70 प्रश्न आएंगे टोटल, 70 प्रश्न हैं टोटल, ठीक है। सभी में चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सभी के ऑप्शनों का आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, तो आपको प्रश्न को पोज करना है, वीडियो को पोज करना है और सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करना है। फिर आंसर देने के बाद जो है तो हमारा आंसर आपको सुनना है, इसलिए हम सबसे लास्ट में आंसर बताते हैं। तो प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, मैसूर में, कश्मीर में, गुजरात में, केरल में। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको देना है। तो जब भी प्रसिद्ध गिर वन की बात आ जाए तो गिर माने गुजरात, ठीक है, गी गे से गिर वन और गी से गुजरात। तो गिर वन की जब भी बात आए तो हम कहाँ जाएंगे, गुजरात में जाएंगे। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विश्व का अधिकतम समाचार पत्र कागज कहाँ से प्राप्त होता है, पर्णपाती वन, मानसून से, मैग्रोव से, वर्षा वन से। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। तो क्या हो जाएगा, जब विश्व का अधिकतम समाचार पत्र कागज कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी बात जब आ जाए तो कहाँ जाएंगे हम, सीधा जाएंगे हम कहाँ पे, पर्णपाती वन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पर्णपाती वन में जाएंगे और इसका राइट आंसर बता देंगे। समाचार पत्र कागज कहाँ से मिलता है, पर्णपाती वन से। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, बाढ़ उत्पादन से या फिर जल संचयन से। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर देना है। 39 नंबर प्रश्न है, ठीक है। आपको दूध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बाढ़ उत्पादन और जल उत्पादन। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके देना है। तो जब ऑपरेशन फ्लड की बात आ जाए तो क्या होगा, दूध उत्पादन आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कहता है शीत मरुस्थल। अब अगला प्रश्न है, शीत मरुस्थल जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान और सिक्किम। चार राज्यों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। तो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे क्या है, शीत मरुस्थल जो है जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, भारत का पहला जो है सौर शहर कौन सा है। आनंदपुर साहिब है, मुंबई है, बेंगलुरु है और दिल्ली है। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके देना है। आनंदपुर साहिब, मुंबई और बेंगलुरु और दिल्ली, चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके देना है। तो क्या राइट आंसर होगा, आनंदपुर साहिब राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे हरा भरा माना जाता है, बेंगलुरु, दिल्ली, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके देना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर सबसे हरा भरा माना जाता है, तो चंडीगढ़ शहर जो है वो सबसे हरा भरा माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है क्या है, कैस्पियन, कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, वान झील है, अरल सागर है, ठीक है। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। जब सर्वाधिक लवणीय झील की बात आ जाए तो क्या होगा, इसकी राष्ट्रीय, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वान झील राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो कैरेबियन द्वीप में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में या इंडोनेशिया में। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। चार ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर, जब विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात की जाए तो वहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ की जब बात की जाए तो कहाँ पर स्थित हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी तरह टोटल आपके 70 प्रश्नों के, ध्यान से आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और सभी का आंसर आपको कमेंट में देना है। आखिरी में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका कितना स्कोर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है। चार ऑप्शन देखिए, ब्राजील, चीन, कनाडा और भारत। चार ऑप्शनों में से आपका जो राइट आंसर है आप जल्दी से चूज करके उसको दीजिए कमेंट में, ठीक है। तो जब भी बात की जाए सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो ब्राजील, चीन, कनाडा और भारत। जब इनमें से देखा जाए तो क्या हो सकता है, सर्वाधिक जो सीमाओं वाला भारत है वो क्या है, चीन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, पैरेनीज है, एपिनाइंस है, कार्पोथियन है, ब्लैक फॉरेस्ट है। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बता देना है।
ठीक है, चार अंकों में से जो भी राइट आंसर होगा वो आपको चूज करके बताना है। क्या होगा राइट आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है? जब राइन नदी की बात आ जाए तो हमें क्या करना है, राइन नदी की बात आ जाए तो हमें क्या कर लेना है जल्दी से बताइए, हमें ब्लैक फॉरेस्ट में जाना है। ठीक है, और ब्लैक फॉरेस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्बूस, माउंट मैकिनले और माउंट एकांक बुआ। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके देना है। माउंट माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्बूरस, माउंट मैकिनल और माउंट एकांक बुआ। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका जो क्या होगा भाई, माउंट मैकिनले इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, एंटीगी नदी, हांगो और फिर या फिर हांगहो नदी। ठीक है, चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके देना है। तो जब ऑस्ट्रेलिया की बात आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया में कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया में कौन है जल्दी बताइए, ऑस्ट्रेलिया में कौन है, यांगटी, कौन सी नदी, यांगटी। ठीक है, सॉरी एशिया की बात आ जाए, जब निम्नलिखित में से एशिया की सबसे नदी की जब बात आ जाए तो यांगटी नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट मैकिन, माउंट एकांकगुआ, माउंट एल्बुरस और माउंट कैस्कोहो। ठीक है, कैसिस्को। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जब बात आ जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एकांकगुआ जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया। कहते हैं ना कि अंत समय में थोड़ा लॉन्ग स्क्वाडी हो जाना चाहिए, तो अब यहाँ पे लॉन्ग की बात आ गई। ध्यान दो, लॉन्ग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से या फल से? चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके देना है। तो लॉन्ग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं जल्दी बताइए। तो चार ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, तो चार ऑप्शनों में से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फूल से। लौंग और केसर के पौधे जो है फूल से प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न 51 नंबर है, अभी टोटल 70 नंबर है, 70 प्रश्न है अभी, यानी 19 प्रश्न आपके बचे हुए हैं, ध्यान से आपको पढ़ना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या ऊपर के सभी। तो हाइड्रोजन आइसोटोप की जब बात की जाए तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन आइसोटोप की जब बात की जाए तो हमारा क्या होगा, ये आपका ये ड्यूटेरियम भी होगा, प्रोटियम भी होगा और ट्रिटियम भी होगा। तीनों ऑप्शन हमारे राइट आंसर होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आलू की पत्तियों का मुड़ना जो है फसल संयंत्र का कवक रोग निम्नलिखित में से किस कौन सा है? आलू की पत्तियों का मुड़ना, ठीक है, या फिर कपास का विल्ट, या फिर चावल, या फिर चावल के बाद, या फिर ले लो आप चावल में तुषार हो गया, या फिर ले लो आलू में भूरीशान। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, राइट आंसर क्या बनेगा, आपको राइट आंसर देना है। फसल संयंत्र कवक की जब बात आ जाए तो राइट आंसर आपको क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा कपास का विल्ट। कपास का विल्ट जो है वो क्या है, कपास का विल्ट जो है कवक रोग फसल संयंत्र के। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है, ये कहता है कि परमाणु विखंडन प्रतिनिधि प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है कहाँ, ईंधन बनाने में, ताप पैदा करने में, बिजली बनाने में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके देना है। तो राइट आंसर क्या है, आपको राइट आंसर इसमें यह है कि परमाणु विखंडन प्रक्रिया की जब बात आ जाए तो हम कहाँ जाएंगे, बिजली बनाने में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका बिजली बनाना होगा। अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है, कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? ठीक है, खाने के सुगंध, इत्र की महक, अगरबत्ती की खुशबू, ठीक है, या फिर ये तीनों। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके देना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी, यानी खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक, ये तीनों जो है गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किससे अधिक ताप है, किसमें अधिक ताप है भाई, बर्फ में, उबलते पानी में, या फिर भाप में, या फिर ऊपर के सभी। सभी आंसर आपको चूज करके देना है, जल्दी आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या होगा, भाप जो है सबसे अधिक
ताप जो होता है वो कहाँ होता है, भाप में होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, इनमें से कौन सी महामारी और स्थानीय, ठीक है, एपिडेमिक एंड इंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है, टाइफाइड है, हैजा है, पोलियो है या खसरा है। चार ऑप्शनों में आपसे आपको राइट आंसर चूज करके देना है, ठीक है। चलिए, तो चार ऑप्शन आपको ध्यान से दिए गए हैं, और चार ऑप्शनों में से आपको क्या करना है, राइट आंसर चूज करके देना है। क्या राइट आंसर होगा? हैजिया। चलिए, अगले हैजा जो है वो राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है, कार्बन कार्बन के एल्ट्रोटोप, या फिर कार्बन के एल्ट्रोटोप देख लो, या फिर डायमेंशनल देख लो स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप देख लो, हनीकाम देख लो। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करके बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा भाई 57 नंबर का, ये डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रेजिन क्या है, एक बहुलक है, वायरस है, या मेलवेयर है, या सर्च इंजन है। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राइट आंसर बताओ जल्दी से, नहीं तो हम अगले प्रश्न में जाएंगे। जल्दी करो, रेजिन क्या होता है, रेजिन क्या है भाई, रेजिन क्या है, एक बहुलक है, प्लोमर है, वायरस है, या फिर मेलवेयर है, या फिर क्या है, सर्च इंजन है, क्या है, जल्दी बताओ क्या है भाई। मेलवेयर है, क्या है, मेलवेयर है, ठीक है, ध्यान देना क्या है, मेलवेयर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, ली फ्राई की के लिए गलत कथन कौन सा है, यह एक प्रकाश आधारित संयंत्र प्रणाली है, यह एक वायर कनेक्शन है, यह एक विड्रेनिकल संचार प्रणाली है, ठीक है, पर आधारित है, या रेडियो आवृत्ति संकेतों पर उपयोग करता है, क्या है। चौथा, चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको चूज करना है जल्दी के लिए, ठीक है। तो जब ली फ्राई की बात आ जाए तो हम कहाँ जाएंगे, ली फ्राई जो है, ली फ्राई के लिए गलत क्या है, वायर कनेक्शन है, कि ली फ्राई जो है वो वायर कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये संचार पर आधारित चीज है, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है जो मानव तन का हिस्सा है, एक हिस्सा है, गुणसूत्र फर्स्ट, गुणसूत्र सेकंड, गुणसूत्र थर्ड, गुणसूत्र फोर्थ। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर जल्दी से चूज करके बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका गुणसूत्र प्रथम, ठीक है, क्रोमोजोम फर्स्ट, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कितना अच्छा है, देखो तो कितना अच्छा दे रहा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अभी 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। सभी का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, टोटल स्कोरिंग आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है, ठीक है। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था, मार्क आर्सोन ने, ओ लास्मो रोमर ने, एडविन हवल ने, या टाइको ब्राहे ने, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं, एसआई में पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर अदर एग्जाम जो भी हैं सभी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा जल्दी बताइए, राइट आंसर पहले प्रकाश की गति की जब बात आ जाए तो कौन आएंगे भाई, ये ओलास रोमर साहब जी आएंगे, ठीक है, राइट आंसर। अगले प्रश्न में चलते हैं। गिरगिट रंग क्यों बदलता है, अन्य जानवर से बचने के लिए रंग बदलता है, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलता है, या फिर ये जितने भी हमने ऑप्शन बताए हैं चार ऑप्शनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। क्यों रंग बदलता है गिरगिट, ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर आपको देना है। तो क्या करता है, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है गिरगिट, ध्यान दीजिएगा, बी नंबर राइट आंसर। अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न जो है, पहुंच गए मंजिल तक, है ना, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ध्यान दीजिए। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि या तापमान, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको ध्यान से देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब के इकाई की बात आ जाए तो क्या करेंगे, तापमान नापेंगे, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है, रक्तौंधी होती है, रक्तकल्पा होती है, या फिर बेरीबेरी होती है। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है, ठीक है, जल्दी करिए। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, कौन सी बीमारी होती है, जल्दी आपको बताना है, ठीक है, कौन सी होती है। विटामिन B1 की कमी जब होती है तो कौन सा होता है रोग, बेरीबेरी होता है। अगला प्रश्न, राइनो वायरस की वजह बनता है, राइनो वायरस की वजह क्या बनता है, आम जुकाम, सिर दर्द, कफ, या घुटनों में दर्द। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, राइनो वायरस की वजह से क्या होगा, आम जुकाम होगा, ठीक है, क्या होगा, आम जुकाम होगा। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के नाम से जाना जाता है, ठीक है,
तो किसे जाना जाता है? मेसियर, मेसियर 16 को, मेसियर 5 को, एनजीसी 3372 को, एनजीसी 3293 को। चार अक्षरों में से स्टार क्वीन नेबुला के नाम से किसको जाना जाता है? जल्दी बताइए आप। ठीक है, जल्दी आपको बताना है। तो किसे जाना जाता है जल्दी चार अक्षरों में से? तो जब स्टार क्वीन नेबुला की बात की जाए तो क्या होगा? मेसियर 16 को जाना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? 20% 75% 50% या 35%? चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। जब ऑक्सीजन और रक्त की बात की जाए, मस्तिष्क की बात की जाए, तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो 20% जो रक्त है वो मस्तिष्क इस्तेमाल करती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला है, स्टेपीज है, टिबिया है या ह्यूमरस है? चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए सर। जब सबसे छोटी हड्डी की बात आया तो क्या होगा? स्टेपेज होगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कॉर्निया, उंगलियाँ और नाक, त्वचा और मस्तिष्क, पैर और भुजा। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करके बताना है। ठीक है, जल्दी से, एक प्रश्न और बचा हुआ है। मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? ठीक है, कौन से हैं ऐसे ऊतक? ठीक है, जल्दी बताना है आपको राइट आंसर। ठीक है, तो क्या है? नाखून और कॉर्निया जो है वो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। अगले प्रश्न में और अंतिम प्रश्न है ये। ठीक है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आयरिस, कॉर्निया, आईलिड, आईलिड। ठीक है, चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। जब राइट आंसर की बात आ जाए तो क्या होगा कि आँख का कौन सा भाग जो है, तो आँख का आयरिस भाग जो है वो क्या करता है? आँख के रंग का निर्धारण करता है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करना है। जितने भी आपकी मार्किंग बने कमेंट सेशन में जरूर बताना है। ये देखना कि सबसे ज़्यादा मार्किंग किसकी बन रही है। ठीक है, सभी लोग ईमानदारी के साथ सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए। और हाँ, इन प्रश्नों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। सभी लोग शेयर करें, अपने अपने स्टेटस में लगा लें या अपने ग्रुपों में भेजें, ताकि सभी उन पढ़ने वाले बच्चों तक इसका बेनिफिट उन लोगों को मिल पाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।